हे फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक है कौन जेलिस होता है आपसे, सेकंड टॉपिक है कौन नफरत करता है आपको, और थर्ड वाला आपसे किसे मोहब्बत है। सबसे पहले तो फिर यही टॉपिक देखते हैं कि किसे मोहब्बत है आपसे। सो इस बात का आंसर देखने के लिए आपको एक्स वाई जेड में से चूज़ करना है अल्फ़ाबेट। अगर फ्रेंड्स आपने एक्स वाला अल्फ़ाबेट चूज़ किया है तो आंसर है आपका ये, आपकी फैमिली आपके पेरेंट्स को है प्यार आपसे। और अब इसके बाद देखेंगे सेकंड अल्फ़ाबेट, अगर आपने जेड वाला चूज़ किया है तो देन आपका आंसर है ये इसमें, जिससे आपको मोहब्बत है उस इंसान को भी आपसे मोहब्बत है। देन अब इसके बाद देखेंगे वाई अल्फ़ाबेट, जिसका आंसर है ये आपका, आपके GF और BF, अगर कोई है GF BF तो यस उनको मोहब्बत है आपसे। अब आपको ये देखना है कि कौन नफरत करता है आपको, SDIF अपना अल्फ़ाबेट चूज़ करो आप। सबसे पहले है आपके लिए D वाला अल्फ़ाबेट, जिसमें आपका आंसर है आपका कोई रिलेटिव है जो नफरत करता है आपसे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है आपका S वाला, जिसका आंसर है आपका कोई भी नहीं है जो आपसे नफरत करता हो। देन अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स आपके लिए F वाला अल्फ़ाबेट, आंसर क्या होगा आपका इसमें, जिससे आपकी लड़ाई होती है बार बार, वही आपसे नफरत करता है। लास्ट टॉपिक है कौन जेलिस होता है आपसे, इसके लिए आपको नंबर चूज़ करना है 28 या 0 अपना, तो फिर चूज़ करो जल्दी। अगर आपने चूज़ किया है नंबर 2 अपने लिए तो आपका आंसर है ये इसमें, आपका कोई कज़न है जो आपसे जेलिस होता है। देन अब इसके बाद देखेंगे 0 नंबर, जिसका आंसर है ये आपका, अभी तक तो कोई भी नहीं है जो आपसे जेलिस होता हो। लास्ट नंबर 8, आंसर देखते हैं इसमें, आपका कोई दोस्त ही है वो जो आपसे जेलिस रहता है। बाय।